सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी ने लंका जला दी उसके बाद उनके मन में पश्चाताप हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसके अंदर ये वर्णन मिलता है कि हनुमान जी लंका जलाने के बाद पछता रहे थे, उनके मन में थोड़ा खेद था और भय था। भाई किस चीज का था? हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार थे यानी कि रुद्रांश से, और इसके कारण लंका जलाने के बाद उनके मन में थोड़ा खेद था। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि रावण ने महामृत्युंजय की आराधना की थी और उसने अपने 10 सिरों को काटकर रुद्र को अर्पित किया था, यानी कि एक सिर एक रुद्र को। इस तरह से 10 रुद्रों की आराधना करके रावण ने महामृत्युंजय को तृप्त किया था, लेकिन 11वां रुद्र अतृप्त रह गया था क्योंकि रावण का 11वां सिर नहीं था। यही 11वां रुद्र त्रेता युग में हनुमान जी के रूप में उत्पन्न हुआ और उसने श्रीराम जी की सहायता की और रावण का विनाश करने में श्रीराम जी की उसी तरह से उन्होंने हर रूप से सहायता की। तो ये एक कारण है कि हनुमान जी क्यों रावण का विनाश चाहते थे। फिर वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक मिलता है जिसके अंदर हनुमान जी की मनस्थिति बताई गई है। श्लोक है कि यदि दग्ध्वा त्वं सर्वानून मर्यापि जानकी दग्धा तेन मया भरतो हताम कार्य जानता। इस श्लोक का अर्थ है हनुमान जी की मनस्थिति का वर्णन इसमें है। हनुमान जी ये सोच रहे थे लंका जलाने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि इतनी भयंकर आगों की लपेट में उनको ऐसा लगता था कि सीता जी भी आ गई है। हनुमान जी को लगता था कि हो ना हो सीता जी भी इस आग की लपटों में आकर जलकर मर गई है। ऐसी उनकी मनस्थिति थी उस समय में। कुछ क्षण पहले ही यही जानकी ने हनुमान जी को अजर अमर रहने का वरदान दिया था, लेकिन हनुमान जी इस बात को समझ नहीं पाए कि जो उनको अजर अमर बना सकती है भली आग की लपटे उनको क्या कर सकती है। हनुमान जी मन में सोच रहे थे कि उनके प्रभु यानी कि श्रीराम जी ने जिस कार्य को संपन्न करने के लिए लंका उन्हें भेजा था यानी कि सीता जी की खोज करने के लिए, उन्होंने वो तो कर दिया लेकिन उन्होंने लंका जला दी। लंका जलाने के कारण उनके मन में ये खेद था कि सीता जी भी शायद इसके अंदर जलकर भस्म हो गई होगी। तो हनुमान जी की मनस्थिति ये थी लंका जलाने के बाद, और वो अपने कार्य पे पछतावा कर रहे थे। दूसरी ओर सीता जी भी हनुमान जी के बारे में सोच रही थी। सीता जी ने जब देखा कि हनुमान भी लंका जलाने के बाद आग की लपटों में घिरे हुए हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये आग की जो लपटें हैं वो हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, इसका कारण क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि हनुमान मेरा 11वां रुद्र है और रुद्र को अग्नि किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए हनुमान जी को अग्नि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो ये एक कारण था कि लंका जलाने के बाद हनुमान जी के मन में ये संशय था कि क्या सीता जी तो जल के भस्म नहीं हो गई? अगर सीता जी जल गई होगी तो राम जी अभी जिंदा रह के क्या करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ सीता जी के कारण ही हुआ है, सीता जी के लिए ही हुआ है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।